हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक CSH इन कॉन्क्रीट। आफ्टर दैट वी डिस्कस द ऑर्डर ऑफ बोगस कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, स्ट्रेंथ एटसेट्रा। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ सीमेंट विच इज पास बाय इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, तो लेट अस सी स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। स्टूडेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज इन नॉर्मल वर्क की नॉर्मल कार्य में इसका अपन उपयोग करते हैं। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसको जनरली वर्क में अपन इसी को यूज करते हैं। ठीक है, जो आजकल चल रहा है ना अंबुजा, जेके, श्री, ये सब का कैसा है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो अपन जनरली जो वर्क है उसमें अपन यूज करते हैं। ठीक है, फिर ड्यूरेबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल टाइप ऑफ वर्क सच एज सरफेस अटैच एरिया। जहाँ पे जो ड्यूरेबिलिटी है वो रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, तो स्पेशल टाइप वर्क होते हैं जैसे सल्फेट अटैच एरिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है इसका कोड है स्टूडेंट्स IS 8041। ओके, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ऑल्सो नोन एज हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट। हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, नेक्स्ट, फाइनेस 3 to 5 meter square per kg यूनिट ऑफ फाइनेस एरिया अपॉन मास। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज 10% कॉस्टली देन ओपीसी। ये जो सीमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है इसे 10% ज्यादा क्या होता है, कॉस्टली होता है। ओके, नेक्स्ट, मोर वाटर रिक्वायर्ड एंड मोर श्रिंकेज ऑफ ओपीसी। जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और श्रिंकेज भी जो है ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, ओपीसी के कंपेयर में। नाउ नेक्स्ट, मोर C3S। स्टूडेंट्स, इसमें जो C3S होता है जो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बोगस कंपाउंड में, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। कितनी होती है, लगभग 50% एंड फाइनल ग्राइंडिंग। और जो ग्राइंडिंग का मतलब पीसना, जब क्लिंकर को अपन पीसते हैं फाइनली तो कैसा होता है, फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट, थ्री डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी। थ्री डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी इज इक्वल टू 1 day कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ RLC मीन्स रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कितनी होती है, 16 MPa, 16 MPa। तो स्टूडेंट, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 3 दिन में वो कितनी होती है, 16 MPa। एंड ये जो होती है किसके इक्वल होती है, 1 day कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ RLC। मतलब RSC जो सीमेंट है ये एक दिन में जितनी स्ट्रेंथ देता है उतनी स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितने दिन में देता है, 3 दिन में। ओके, नेक्स्ट,
इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट ओके, एंड ये मिनिमम हो गया ना मिनट, ये मिनिमम एफएसटी फाइनल सेटिंग टाइम ये होता है 600 मिनट, ये होता है मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट, इसका यूज कहां कहां होता है, जो हमारा सीमेंट है आरएसी, इसके यूजेज की अपन बात करें कि इसको जो है यूज कहां कहां पे किया जा सकता है। पहला जो यूज है स्टूडेंट्स इसका वो है, इसका यूज अपन करते हैं रिजिड पेवमेंट, पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन करना है, रिजिड पेवमेंट का मतलब सीसी रोड बनाना है, ठीक है, कंक्रीट रोड, कंक्रीट रोड कहां पे, कोल्ड वेदर, जहां पे जो वेदर है मौसम है वो ठंडा है और वहां पे जो है कंक्रीट का रोड बनाना है, तो उस सिचुएशन में अपन किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, आरएससी का, ठीक है। अगला जो इसका यूज है फैब्रिकेशन वर्क, फैब्रिकेशन वर्क, फैब्रिकेशन वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे प्रीकास्ट मेंबर जो भी सारे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ना, प्रीकास्ट मतलब पहले ही कास्ट किए जाते हैं, उनको बस लाके प्लेस करना होता है, ठीक है, उनको कहते हैं अपन प्रीकास्ट मेंबर, ओके ठीक है। अब एक टेस्ट है जो साउंडनेस के लिए करते हैं, उसमें इसकी जो वैल्यू है, जैसे होता है ना उस टेस्ट का एक लिमिट होता है कि इससे ज्यादा वैल्यू आती है तो आप उसको रिजेक्ट करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ऐसे लीच एटेलियर जो साउंडनेस टेस्ट के लिए अपरेटस यूज किया जाता है उसमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, एटेलियर 10 mm, ये मैक्सिमम, ओके। अभी पढ़ेंगे अपन ये टाइप्स के बाद, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, ऑटोक्लेव, ये भी टेस्ट ही होता है ऑटोक्लेव, ये फाइनेंस के लिए होता है, एक मिनट मैं इसको देखता हूँ। ऑटोक्लेव जो टेस्ट होता है स्टूडेंट, ये टेस्ट होता है आपके फाइनेंस के लिए, हाँ सही है, एक मिनट, ऑटोक्लेव टेस्ट, ऑटोक्लेव टेस्ट भी साउंडनेस के लिए होता है, सॉरी फाइनेंस के लिए होता है, ब्लेम एयर परमिटिविटी टेस्ट और जो फाइनेंस होता है ना सीव एनालिसिस या सीव टेस्ट, तो ये ऑटोक्लेव है ये भी किसके लिए होता है, ये भी साउंडनेस के लिए होता है, मतलब दोनों टेस्ट किसके लिए होते हैं, साउंडनेस के लिए, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी 0.8, ठीक है स्टूडेंट, ये किसमें परसेंट में, और ये भी क्या है मैक्सिमम, नेक्स्ट मस्ट नॉट बी यूज्ड इन मास कंक्रीट वर्क, मास कंक्रीट वर्क में इसका जो यूज है मतलब उपयोग है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट है इसमें वो लिखो कि ओपीसी की जो 7 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आरएससी की 7 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे रफ करके लिखता हूँ। अब टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें सारे पढ़ेंगे स्टूडेंट, जैसे पहला टेस्ट है फाइनेंस के लिए ब्लेम एयर परमिटिविटी टेस्ट, ठीक है सीव एनालिसिस, दूसरा पढ़ेंगे अपन किसके लिए पढ़ेंगे साउंडनेस के लिए, तो साउंडनेस में दो टेस्ट है ऑटोक्लेव, ठीक है, और जो है ऑटोक्लेव के बाद दूसरा पढ़ने लेटर अपरेटस,
सेटिंग टाइम के लिए विकार टेम्परेटर्स और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे चल रहा था अपने ओपीसी सेवन डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 3 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ आरएलसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। मतलब ओपीसी जो 7 दिन में देता है अपना, आरएलसी कितने दिन में दे देता है? 3 दिन में देता है। और कितनी देता है ये? लगभग होती है 27.5 MPa। ठीक है, चलो एक नोट लगा के एक लाइन इसमें लिखो आप। इट इज यूज व्हेन foam work is to be removed early for reuse। ये जो सीमेंट स्टूडेंट्स आरएससी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका उपयोग कब करते हैं? इसका उपयोग अपन जब करते हैं जब अपन फॉर्म वर्क को जो है जल्दी हटाना है। किस लिए हटाना है? उसको वापस यूज करना है। उस सिचुएशन में अपन किसका उपयोग करेंगे? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, अपने जो है सीमेंट के कितने टाइप्स हो गए? 2 टाइप्स हो गए। ठीक है, तीसरा टाइप लिखो, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ओके, इसका और नाम भी अपन लिख सकते हैं, जैसे शॉर्ट में इसको ERSC कहेंगे, है ना। दूसरा और लिख लो, इसको नीचे लिख देता हूँ, इसके जो और नाम है अल्ट्रा रैपिड हार्डनिंग और कैल्शियम क्लोराइड कंटेंट, ओके, ये ब्रैकेट बंद करते हैं, उसके नाम से भी अपन जानते हैं। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में स्टूडेंट्स देखो कोई खास बात नहीं है। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कुछ नहीं होता, आरएससी होता है अपना, जो भी अभी पढ़ा था अपने टाइप आरएससी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें क्या मिला देते हैं? 2% कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं इसमें? 2% कैल्शियम क्लोराइड, और ये बन जाता है हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ओके, अब कैल्शियम क्लोराइड जो है किसका काम करता है? एक एक्सेलरेटर का काम करता है। तो मैं लिख रहा हूं कैल्शियम क्लोराइड, अपन पढ़ा अभी रिटार्डर का काम तो कौन करता है? जिप्सम। ठीक है, और एक्सेलरेटर का काम कौन करता है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इज ए एक्सेलरेटर, त्वरक का कार्य करता है। कौन? कैल्शियम
क्लोराइड, ठीक है। अब देखो इस सीमेंट की खास बात है, वो खास बात क्या है कि अपन ने इसको मिक्स कर लिया, ठीक है, और मिक्स करके कॉम्पैक्शन इसका 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। दिस सीमेंट मस्ट बी यूज्ड within 20 मिनट from mixing to compaction। इसका जो प्रोसेस है ना कंप्लीट, मिलाने से लेके और कॉम्पैक्शन करने तक, वो कितने टाइम के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, 20 मिनट के अंदर अंदर वो हो जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, इट इज 20% इट हैज 20% मोर स्ट्रेंथ किससे देन ओपीसी वन डे। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स वो 25% ज्यादा होती है ओपीसी की तुलना में एक दिन में। एंड ट्वेंटी परसेंट मोर स्ट्रेंथ देन आरएलसी इन 7 डेज। और 7 दिन में जो है आरएलसी हमारा भी पढ़ा था अपने रैपिड आर्डिंग सीमेंट, उससे कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी 20%, ठीक है। इसका यूज की बात कर लेंगे, इसका जो यूज है वो कहाँ पे होता है, यूजेज दिख तो रहा है ना आपको, हाँ दिख जाएगा। वेरी कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर वर्क्स। इसका जो यूज है स्टूडेंट्स वो कहाँ पे होता है, ठंडे ठंडा जो मौसम होता है, ठंडे मौसम में ठंडे वेदर को कंस्ट्रक्शन करना है या फिर रिपेयर वर्क के लिए जब इसको काम में लेते हैं तो इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो डिस्कस किया था, जो हमारे पॉइंट्स थे डिस्कशन के, वो कर रहे थे अपन टाइप्स ऑफ सीमेंट, जिनमें से 3 आज हो चुके हैं, ठीक है। इनको वापस एक बार अपन देख लेते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट स्टूडेंट जो होता है इसका जो यूज है अपन कहाँ करते हैं, जनरल कार्य में इसका जो है यूज करते हैं, ठीक है। जनरल कार्य में इसका क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से देखें तो ये जो है वही है प्रोसेस पल्वराइजिंग क्लिंकर से प्राप्त किया जाता है, कैल्सिनेशन से, ठीक है, जिप्सम इसमें ऐड करते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा था सेकंड जो टाइप था हमारा, और दूसरी बात जो अपन ने इसमें चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में कि ये जो है ओपीसी इसकी जो है 3 ग्रेड अवेलेबल है, ग्रेड 33, ग्रेड 43 एंड ग्रेड 53, ओके। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टाइप था वो था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो है हमारा फाइनेंस वो कितना, 3 to 5 meter square पर केजी। यहाँ पे जो फाइननेस की जो है यूनिट किस में लेते हैं अपन, इसकी यूनिट लेते हैं अपन एरिया और मास में, ठीक है। ये जो है 10% कॉस्टली होता है किसके कंपेयर में, ओपीसी के कंपेयर में ये कितना कॉस्टली होता है, 10%। दूसरी बात यदि इसमें करें हम आरएससी में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में,
तो इसमें जो है वाटर रिक्वायर मोर होता है, मतलब पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और जो है श्रिंकेज भी ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, ओपीसी के कंपेयर में। C3S में ज्यादा होता है अप्रोक्स 50%, और जो 3 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स ओपीसी की, वो किसके बराबर होती है, RHC की 1 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर होती है। ठीक है, यूज है इसका डिसइंटैंगलमेंट में, फैब्रिकेशन वर्क में, और इसका जो लेग सेंट्रल लेयर 10 mm, ऑटोक्लेव से टेस्टिंग करते हैं तो 0.1%, और इसको जो मास कंक्रीट वर्क में इसका यूज नहीं करना चाहिए। और इसका अपन उपयोग कब करते हैं, जब स्टूडेंट इसका उपयोग अपन जब करते हैं, जब अपन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो अपन ने फॉर्मवर्क लगाया है कंस्ट्रक्शन में उसको हटाना है और रीयूज के लिए उसको वापस, मतलब वापस उपयोग में करना है, जो फॉर्मवर्क लगाया है उसको रिमूव करना है, हटाना है, जल्दी हटाना है, उस सिचुएशन में अपन किसका उपयोग करते हैं, RSC का। उसके बाद अपने पास जो अपना तीसरा टाइप है सीमेंट का, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो RHC होता है, वो होता है बस 2% है कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे किसका काम करता है, वो यहाँ पे एसिलेटर का कार्य करता है, ठीक है, त्वरक का कार्य करता है। और इसकी खास बात ये है कि इसको मिलाने से लेके कॉम्पैक्शन तक पूरा कितने टाइम में हो जाना चाहिए, पूरी प्रोसेस कंप्लीट 20 मिनट में हो जानी चाहिए। ठीक है, ये जो है 25% मोर स्ट्रेंथ देता है ओपीसी से 1 दिन में, और 20% ज्यादा देता है RSC से 7 दिन में। इसका जो यूज है वो कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन में करते हैं और रिपेयरिंग वर्क में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू। अब बात करेंगे जो अब और टाइप के बचे हुए उनकी अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में।